अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज की वीडियो में हम एक हैंडमेड या होममेड कहें एक ड्रिल मशीन बनाएंगे। उसकी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली है और वो यही हैं। ये वाटर पाइप्स हैं जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं पाइपिंग के लिए। बहुत मुश्किल से लिया है, काट के दे ही नहीं रहते दुकान वाले। मैंने कहा यार दे दो, अब यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है ये वो, और दे दिया। ये भी उसी का ही है। और ये वाला जो है ये भी मैंने उन्हीं से लिया था पाइप है। इसमें हमारा मोटर लगेगा, ठीक है। ये 1400 KV का 22/12 मोटर है और ये मैं इसमें यूज़ करने जा रहा हूँ। इसको कुछ इस तरह मैंने बनाया है, यहाँ से ये तारें अंदर से निकालने के लिए ये इधर लगा देंगे, हम माउंट कर देंगे, काफ़ी बेहतर हो जाएगा। फिर इसको बंद करने के लिए ये वाला इधर लगाएंगे हम, ठीक हो गया। तो इसको हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, काफ़ी लेंथ में बड़ा है, इसको छोटा कर देता हूँ मैं। इसको तकरीबन इतना काटना पड़ेगा मुझे ताकि थोड़ा साइज़ में कम हो, ड्रिल तो बेहतर है ना। असल काम हमारा ये है मेन काम, जो इसको कहते हैं ड्रिल चक, बिट होल्डर। ये इस तरह खोल जाता है, ये इसके अंदर होता है बिट होल्डर, ये इसके अंदर, ये इस तरह। और इसमें कोई सा भी आप ड्रिल का बिट लगा देते हैं, ठीक हो गया। ये बंद हो गया, इससे कुछ हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको फिर हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। पहले हम अपना मोटर माउंट कर देते हैं, ठीक है। ये सर मोटर माउंट हो गया, काफ़ी ज़बरदस्त हो गया। इसमें बिट होल्डर लगा देते हैं। ये 3.17 mm बोर के साथ है और जो मोटर का शाफ्ट है ना वो भी 3.17 mm है। ये हमने लगा दिया, इसको एल की के ज़रिए टाइट कर दिया। दोनों तरफ से ये टाइट हो गया। ये यार बाहर हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में काफ़ी लोग होते हैं, बाहर से आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। अब इस पाइप को थोड़ा सा काट देते हैं, छोटा सा। जादू हो गया, जादू, ये काट दिया मैंने, अब इतना हो गया, ठीक हो गया, ज़बरदस्त है। अभी अपना ESC हम लगाते हैं, सामान को जोड़ने की कोशिश करते हैं पूरा का पूरा। ये हम इसको इसमें से गुजारते हैं, ये इधर आ गया। वो मोटर का जो रोटेशन है ना वो मैटर करेगा इसके हिसाब से। ये अगर इस तरह जा रहा है तो ठीक है, सही जा रहा है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो मतलब सही नहीं है, मतलब ये क्लॉकवाइज जाना चाहिए। तो आपके मोटर का जो डायरेक्शन है ना वो क्लॉकवाइज होना चाहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू। ये क्लॉकवाइज ला के देखते हैं, इसका मैं डायरेक्शन आपको दिखाता हूँ। ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है, इस तरह घूम रहा है, ठीक हो गया। बैटरी यूज़ कर रहा हूँ लिपो टर्नी जी का, लेकिन इसके लिए मैंने ड्रिल के लिए अलग से एक खास बैटरी भी बनाया हुआ है मैंने, लिथियम आयन सेल्स का। ये 4S बैटरी है, मैं बाद में ये वाला ड्रिल के साथ यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं ये टर्नी की का लिपो बैटरी इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। क्योंकि इसमें ना अभी तक मैंने
ये वाला जो है ना टी प्लग, ये वाला इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो इस वजह से। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना प्लीज़, थैंक यू। इसको यहाँ से गुजारते हैं, ठीक है। इसको मैं डिज़ाइन के लिए सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। कुछ इस तरह हो गया, दिख रहा है ना कमाल का। ये रहा अपना ड्रिल। अब इसमें हम एक बिट डाल के देखते हैं और फिर कोई छोटा सा ड्रिल भी करके देखते हैं। जब वीडियो पूरा देखेंगे आपको पता चल जाएगा कैसे ड्रिल बनाना है ना, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये ड्रिल। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़। करना फिलहाल ये डाल के फिर इसको टाइट करते हैं, इसको चला के देखते हैं। यार ये मैं इस तरह ही रहना इसको ना रखना चाहता हूँ, इसको खोल के बटन में चेंज नहीं करना चाहता। बटन में चेंज करूँगा ना तो इस पर मैं स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर बटन दबाते ही उतनी स्पीड में चला जाएगा जितनी स्पीड ऑटो होती है मोटर की। लेकिन अगर मैं ये वाला यूज़ करता हूँ ना तो मेरी मर्ज़ी होती है, मैं जितना स्पीड रखूँ कम करूँ, तो ये मुझे अच्छा लगता है। तो आपको लोग अगर अच्छा नहीं लगता तो आप इसको बटन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको ये पूरा खोलना पड़ेगा, इसका रेगुलेटर निकाल के वहाँ पे बटन लगा देंगे। वाओ जबरदस्त। बिट चेंज किया है पीसीबी वाले ने, पहले ये लगा हुआ था ये भी, तो वो भी पीसीबी को हम ड्रिल करके देखते हैं। जबरदस्त हो गया। वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट, आई विल बी थैंकफुल टू यू। एंड प्लीज़ लाइक वीडियो, जस्ट नीड हेल्प टू ग्रो माय चैनल प्लीज़, थैंक यू।